सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों से चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आनी थी क्योंकि मैं कभी घर से बाहर था। तो मैंने वैसे भी दो वीडियो अपलोड की थी, एक इंडेंटिंग टेक्निक और ईयर ड्राइंग की एक, लेकिन वो वीडियो इतनी खास बनी नहीं थी, इसलिए मैंने एक वीडियो इसमें ईयर वाली अपने चैनल से हटा दी क्योंकि वो वीडियो इतनी खास नहीं बनी थी। मैंने जल्दबाजी में उन्हें रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया था, शेड्यूल पर लगा दिया, तो वो वीडियो अपने आप अपलोड हो गई। लेकिन मैं फ़िलहाल अपने वापस घर पर आ चुका हूँ, तो अब मैं फिर से नई वीडियोज़ डालूंगा और रेगुलर अपने चैनल पर रहूँगा और अच्छी अच्छी वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको अपने फेवरेट आर्टवर्क बताने वाला हूँ, जो कुछ हैं अभी रिसेंटली मैंने ड्रॉ किए हैं, कुछ चार पाँच कुछ आर्टवर्क हैं, मैं अब आपको वो वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, नंबर 10 पे देख सकते हैं आप आलू अर्जुन की ये ड्राइंग, जो कि मैंने पेंसिल कलर और डोम्स कलर जो थे मोम कलर वैक्स क्रेयों उनसे ड्रॉ की है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है ड्राइंग, मैंने नंबर 10 पे इसे सेलेक्ट की है क्योंकि ये है इस तरह मुझे पुष्पा की जो मूवी आने वाली थी उस पर मैंने ये ड्रॉ की, तो काफ़ी रियलिस्टिक ड्रॉ करने की इसको मैंने पूरी कोशिश की अपनी। तो आप जैसे देख सकते हैं फेस में किस तरह की मैंने शेडिंग की है पेंसिल कलर और अपने वैक्स क्रेयों से, जो हेयर आप डिटेलिंग देख सकते हैं इसे बना मैंने लगभग मुझे 2.5 घंटे से ऊपर लग गए थे, इसलिए मुझे इसे नंबर 10 पे सेलेक्ट किया है। तो नंबर 9 पे आते हैं ये, जो कि एमी वेमेंटा की ड्राइंग, जो कि मैंने न्यूज़पेपर पे ड्राइंग की है। तो देख सकते हैं आप न्यूज़पेपर पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई मुझे ड्रॉ करने में, इसे ड्रॉ करने में मुझे लगभग 3 से 4 घंटे लग गए। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने ड्रॉ किया है, पेंसिल शेडिंग भी की है और कलर पेंसिल और वैक्स क्रेन उन तीनों का मिक्सर से इसे ड्रॉ किया है। देख सकते हैं पीछे से यहाँ पर ये पूरा न्यूज़पेपर है, इसको मैंने काट के ड्रॉ किया था और ये 4 साइज़ की साइज़ क्या है ये। नंबर 8 पे आते हैं हनुमान जी की ड्राइंग, जो कि मैंने आर्ट अवतार कंपटीशन में इसे पार्टिसिपेट किया था इसी ड्राइंग से, जो कि हनुमान जी की ये ड्राइंग आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही होगी। इसमें मैंने काफ़ी अच्छी डिटेलिंग की, लगभग 6-7 घंटे लगा इस ड्राइंग में मुझे बनाने में। देख सकते हैं पंचमुखी हनुमान जी की ये ड्राइंग है, जो कि मैंने पूरी कंप्लीट कर रखी है, काफ़ी अच्छे से मैंने इसको संभाल के रख रखी है डिस्प्ले बुक में से। तो देख सकते हैं आर्ट अवतार कॉम्पिटिशन में आई भी थी रिव्यू में, तो मैंने उसे देख कर अच्छा लगा। तो नंबर 7 पे आती है ये डेडपुल की ड्राइंग, जो कि मैंने पेंसिल कलर और डोम्स कलर दोनों से ड्रॉ की थी। देख सकते हैं आप अच्छे से डिटेल किया थे नंबर 8 पे, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे से मैंने इसमें डिटेलिंग की, शेडिंग की आइज़ में आप वहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की अपनी। तो देख सकते हैं ये ड्राइंग है, काफ़ी अच्छे से मैंने इसको शेड करने की पूरी कोशिश की। तो नंबर 7 पे आती है ये फकरा इंसान की ड्राइंग, उनका जो न्यू सॉन्ग आया था फ्लाई हाई, उस पर मैंने ये ड्रॉ की थी। उन्होंने स्टोरी भी देखी थी इंस्टाग्राम पे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन स्टोरी देखना ही बहुत बड़ी बात है, तो उन्होंने वो स्टोरी देख ली तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये ड्राइंग मुझे करने में 6-7 घंटे लग गए और मुझे काफ़ी मज़ा आया इसे ड्रॉ करने में, फुल डिटेलिंग के साथ मैंने इसे ड्रॉ किया, कुछ बहुत सारे दिन लगा दिए इसमें ड्रॉ करने, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ मैंने बनाया। तो देख सकते हैं आप इस तरह से ड्रॉ किया है मैंने इसको, कॉम बाट यहाँ पर लिखा हुआ है। और सो गाइस, नंबर 6 पे आती है ये वाली ड्राइंग, जो कि एक चाइल्ड की है, मैंने रैंडमली एक सेलेक्ट की थी, रजनी स्केच आर्ट ने भी ये ड्राइंग की थी, तो मुझे भी ये ड्राइंग करने का काफ़ी ज़्यादा शौक चढ़ा, तो मैंने भी इसे ड्रॉ किया और काफ़ी अच्छे शेडिंग की, उनका वीडियो देख के मैंने इसमें शेडिंग की और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, 8-10 घंटे लगा दिए मैंने इस ड्राइंग में। आप शेडिंग आपको देखने को देख रही होगी, काफ़ी स्मूथ शेडिंग हुई है, मैंने डिस्प्ले बुक में रख रखी है और डिस्प्ले बुक थोड़ी अच्छी नहीं थी इसलिए ऐसे ही रख ली मैंने इसको। तो नंबर 5 पे आती है प्रदीप नरवाल की ड्राइंग, जो कि इंडिया के कबड्डी प्लेयर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पटना पायरेट्स में खेलते हैं, उनका लोगो भी बना रखा है, इंडिया इंडिया लिख रखा है मैंने, तो ये स्टोरी उन्होंने देख ली थी और अपने स्टोरी में भी डाला था। अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि उन्होंने भी ये स्टोरी में शेयर किया था, तो इंस्टा पर ज़रूर फॉलो कर लेना गाइस। तो नंबर 4 पे आती है ये वाली ड्राइंग, जो कि ओल्ड मैन की ड्राइंग, जो कि मैंने सिर्फ 3 घंटों में कंप्लीट कर दी, लेकिन मुझे ये फेवरेट ड्राइंग है, क्या पता मुझे इसमें क्या अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इसे ड्रॉ करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की ये ड्राइंग लगती है मुझे, काफ़ी बढ़िया लगती है ये मुझे ड्राइंग, देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह की शेडिंग और डिटेलिंग है इसमें, इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है। और गाइस नंबर 2 पे हम उज्जवल गेमर यानी कि टेक्नो गेमर्स की ड्राइंग, इन्होंने अपनी स्टोरी पर भी डाली, कमेंट किया और बहुत कुछ, और बहुत ज़्यादा लाइक आए उस पोस्ट पे, 1500 लाइक पार जा चुके हैं अभी भी। और आपने अभी तक ये पोस्ट इंस्टा पे नहीं देखी तो देखिए, पापा उज्जवल भाई का कमेंट है, मैंने हाईलाइट में भी बता रखा है। और गाइस नंबर 1 पे आती है क्रेटोस की ड्राइंग, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इसे ड्रॉ करने में और नंबर 1 मेरी फेवरेट ड्राइंग है, क्योंकि मुझे इसे बनाने में 15 से 20 घंटे लग गए। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इसे ड्रॉ करने में। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।